नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला टेंट से मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान पूरा देश राममय हो गया है। वहीं बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधा और असम में राहुल गांधी को रोका गया, जिसमें उनके एपीएसए निमंत्रण भी था और राहुल गांधी को वहां सीएम ने भी कहा कि आप वहां ना जाएं क्योंकि सुरक्षा को लेकर सवाल है। वहां के विधायक और सांसद को नहीं जाने दिया गया क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं थी कि वो मंदिर जा सके और इसमें बीजेपी को जवाब देना चाहिए। वहीं बता दें, इन्हें लगता है कि मंदिर कौन जाएगा, नहीं तो क्या बीजेपी संविधान भूल गई है। खुलेआम शरेआम डंडा तंत्र ते हो गई है। कल राहुल गांधी जी नूं मंदिर जान तो रोकया गया असाम दे विच, इस चीज दे बावजूद कि उन्हां कोले इनवाइट सीगा। ते ए कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो तो एक दिन पहला जिहड़े हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असाम दे मुख्यमंत्री, उन्हां ने ए चीज कहती सी राहुल जी नूं भी तुसीं उत्थे ना जाओ। ते वो तो बाद तुसी देखो इन्होंने एक्सक्यूज की बनाया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का वेरवा दिता भी जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैगी है तो कले राहुल गांधी जी लिए है नहीं, वो सारे लिए होगी। उस चीज के बावजूद राहुल गांधी जी रोकया गया स्पेसिफिकली, गौरव गोगोई जी एमपी साहब न भी जान दिता, साढ़े एमएलए भी जान दिता, होर लोगों भी ओपन सी, लेकिन राहुल गांधी जी लिए इजाजत नहीं सी, उन्होंने रोकया गया जानबुझ के क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं सी कि राहुल गांधी जी मंदिर जा सकन। इन्नी घबराहट, इन्नी बौखलाहट, इन्ना डर राहुल गांधी जी का केड़ी गल करके भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिहड़ा ये वितकरा खुलेआम शरेआम धक्का कर रहे हैं तो इन्हों लगता है कि असी डिसाइड करांगे मंदिर कौन जाऊगा कौन नहीं जाऊगा, कौन पूजा प्रार्थना करूगा नहीं करूगा, कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को भुल गई है। आर्टिकल 25 साडा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 भी साडा फंडामेंटल राइट है, तो यह कड़े सवाल में रोक लैंगे। दूजी गल तुसी देखो, ये इन आइसोलेशन नहीं है इवेंट, ये जड़ा इंसीडेंट होया है राहुल गांधी जी के नाल। निड़वा के गांव कोठेआला सिंह में लंबे समय से गंदे पानी की निकासी की समस्या चल रही है, वहीं जिसके समाधान के लिए विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हम राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जल्द ही पंजाब के लोग बेहतरीन सुविधाओं को हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निवासियों की मांग है कि उचित समाधान के लिए पंजाब सरकार ने 37 लाख रुपए की लागत से जमीन खरीदकर ग्राम पंचायत को दी ताकि पिछले कई दशकों से संकट से जूझ रहे ग्रामीण को राहत मिल सके। इस मौके पर गांव के सरपंच भाला राम ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा का धन्यवाद किया और कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ग्रामीणों के इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण गंदे पानी की निकासी का मुद्दा गांववासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। देखो, बहुत लंबे अरसे तो कोठेआला सिंह जिनको खड़ियाल कोठे भी कह रहे हैं, इन्हों की बहुत बड़ी समस्या सी, बहुत ही गरीब जी पापूलेशन सी, गरीब लोगों के इतने घर से, उन्होंने गंदे पानी की समस्या सी, गंदे पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं सीगा, पर गंदे पानी की निकासी ना होने के कारण कई जगह आपस में उलझ पैंदे सी, लड़ पैंदे सी। सो इन्हां नाल मेरी बहुत बड़ी कमिटमेंट सी, जदों सरकार बनने तो बाद पहला काम होया गा कि असी प्राइवेट व्यक्ति तो जमीन खरीद के पिंड नूं दित्ती आ और पिंड ने जमीन खरीदी आ, हुण गंदे पानी की समस्या जी सदा लई जी हल होगी। सो मैं बहुत बड़ी राहत जी पिंड वासियों नूं, सो मैं इन्हां नूं मुबारकबाद दे रहा सारे। नवजोत
एक ओर जहां पूरा मोगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिरों में आयोजन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर शाम शहर के भीमनगर के पास एक महिला और उसके बच्चे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि बच्चे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वहीं बता दें उसको बचाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए मोगा से फरीदकोट रेफर कर दिया गया। ये जी सानू स्टेशन मास्टर मोगा ऑन ड्यूटी ने सानू एक मैसेज दिता सी जी, भी जिहड़ा किलोमीटर नंबर 67 दा 78 है जी भीमनगर कोले जी, ते उत्थे एक बच्चा ते एक लेडीज ट्रेन दी लपेट विच आ गए जी, ते जिहड़ी बच्चे दी है जिहड़ी मौत ओह हस्पताल जाके होई है जी, ते लेडी दी मौके ते होगी है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੇਖ ਲੇਡੀ ਹਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮੋਚਰੀ ਚ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। जहां पूरे देश में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मुक्तसर साहिब में भी आर्ट लवर पटाखे वालों की से मुक्तसर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समापन बता दें कि भरत मिलाप और राम तिलक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के लोगों और मौजूदा और पूर्व विधायकों की ओर से उस कार्यक्रम में शिरकत की गई और श्री राम जी के भजनों का गुणगान किया गया। मुक्तसर साहिब की तस्वीरें हैं जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जश्न का माहौल देखा गया, वहीं मुक्तसर साहिब में भी इसकी झलक देखने को मिली। बता दें कि शहर भर के लोग कार्यक्रम में पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों ने आतिशबाजी की और दीप जलाकर गाने गाकर राम जी का गुणगान किया और पूरे मुक्तसर साहिब राम में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोग जश्न में डूबे नजर आए। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और
मुक्तसर साहिब में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर भर के लोग कार्यक्रम में मौजूद हुए। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत बता दें कि सिंह भुल्लर खुद सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे अयोध्या में रामलला दीप राम प्रतिष्ठा मनाई जा रही है। देश भर बता दें कि उनके साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जिसके लिए हमने पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस टीम द्वारा बड़े अच्छे से ड्यूटी निभाई जा रही है। 26 जनवरी को लेकर हम स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं जो इसी तरह जारी रखेंगे। मैं लोगों से यह संदेश देना चाहता हूं कि उनका गणतंत्र दिवस का मौका है और संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले और पुलिस के साथ जरूर साझा करें। शहर की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अज 22 जनवरी नूं अयोध्या दे विच जिहड़े समागम होए ने उस संबंध दे विच काफ़ी शोभा यात्रा शहर दे विच खुशी दीआं कढ़ियां गईआं। उह सारी हरेक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तों उहनां दा सारिआं दा ध्यान रख्या गया। उह अजे वी तुहाडे सामणे समागम चल रहे ने और सारे ऑफिसर सीनियर मेहताब जी साढ़े सारे जिहड़े ADSP साहब ने DCP साहब आप सारे ऑफिसर अपने अपने एरिए ड्यूटी दे रहे ने और पुलिस सारी तुसीं सवेर तो देखिया इस मौसम के बावजूद ही बड़ी तैनात पूरी मौके ते हाजिर है, डोमिनेट कर रही है और विजिबिलिटी अपनी बहुत अच्छी है। मिलवाते हैं भवानीगढ़ के काकड़ा गांव के बलजीत सिंह नामक किसान से जो रवायती फसलों का पल्ला छोड़ मशरूम के खेतों में पिछले 14 सालों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। वहीं बता दें कि बलजीत किसान ने बताया कि ये खेती छोटे वर्ग के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती और ये फसल जल्दी भी हो जाती है। बलजीत किसान ने बताया कि रवायती फसलों के मुकाबले मशरूम की खेती में पानी की खपत बहुत कम होती है। जो किसान ये खेती करना चाहते हैं उनको मशरूम बैग भी बेचते हैं जो कि तकरीबन 100 रुपए का होता है जिसमें 200 रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। और बलजीत जी उनको 20-25 बैग से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। बलजीत ने बताया कि ये फसल बिना मिट्टी के की जाती है जिसमें नारियल का बुरादा और तूड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बलजीत सिंह खुद मशरूम की खेती में लाखों रुपए कमा रहे हैं और वो छोटे किसानों को भी ये खेती करने की सलाह दे रहे हैं और उनको बेचने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ये उन्होंने कहा है। बाजार में मशरूम की डिमांड भरपूर है। पहला ना जी जब पढ़ते होंगे सी +1 +2 BA वगैरह ज्यादा सी आलू मिर्च वगैरह की खेती करते जिसका मंडियां असं बेचने जाते होंगे सी ज्यादा तो उस टाइम मशरूम भी आँदी सी मार्केट जा ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਤੂੜੀ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 17 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸੀਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। बता दें कि संगरूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान लाखों रुपए मशरूम की खेती कर कमा रहे हैं। छोटे किसानों के लिए ये खेती वरदान साबित हो रही है। बता दें कि
मशरूम की खेती से छोटे किसानों को फायदा होगा और इससे किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं। बता दें, छोटे किसान के लिए मशरूम की खेती वरदान साबित हो रही है। और संगरूर की तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि किसान मशरूम की खेती करने लगे हैं और इससे ये खेती छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि ये संगरूर की तस्वीरें हैं जहां पर मशरूम की खेती से किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं और छोटे किसानों के लिए मशरूम की खेती वरदान साबित हो रही है। संगरूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि मशरूम की खेती से छोटे किसानों को बड़ा ही फायदा मिल रहा है। छोटे किसान मशरूम की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और मशरूम की खेती छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की मूर्ति स्थापना को लेकर पूरे देश में काफी उत्साह है। वहीं लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन गुरदासपुर का एक ई रिक्शा चालक ऐसा है जिसने अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित को लेकर मुफ्त सेवा शुरू कर दी। राहुल नाम का ये ई रिक्शा चालक दो दिन से पूरे शहर यात्रियों को मुफ्त ई रिक्शा में सफर करा रहा है। और बता दें कि जो कि सराहनीय पहल है, ई रिक्शा सवार अनुज कुमार नाम के युवक ने बताया कि उसे हनुमान चौक से करीब 2 किलोमीटर दूर जाना था, जिसके लिए उसने राहुल का ई रिक्शा रुकवाया और उसमें बैठ गया। वहीं मंदिर पर पहुंचने के बाद पैसे दिए और राहुल ने पैसे नहीं लिए। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरा देश राम में नजर आ रहा है, वहीं श्री राम को लेकर गुरदासपुर में एक ई रिक्शा चालक ने श्रद्धा दिखाई और बता दें कि सभी को फ्री सवारी कराई। ई रिक्शा चालक ने दिखाई श्रद्धा, बता दें कि सभी चालक को फ्री में सवारी कराई। और बता दें कि ई रिक्शा चालक ने श्री राम को लेकर श्रद्धा दिखाई। चोरी की कार्रवाई करते हुए शहीद भगत सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना सिटी नवाशहर के क्षेत्र में वीके एंटरप्राइज के मनी एक्सचेंज दुकान पर डकैती के प्रयास से संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसके तुरंत बाद सिटी नवाशहर की पुलिस ने पहुंचकर वारदातों का जायजा लिया और उन्होंने सीसीटीवी खंगालने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खिलौना पिस्तौल, चाकू और एक किरच बरामद की। पता ही है, कल बीके एंटरप्राइजेज जिहड़ा मनी एक्सचेंज वारदात हुई सी, दो बंदे ने उत्थे अटैम्प्ट कीती सी, उन्हों लुटन की कोशिश कीती सी। उसके संबंध में मानयोग साढ़े जिहड़े एस एस पी श्री अखर चौधरी साहब, उन्होंने दिशा निर्देशों हेठ मानयोग एस पी डी साहब के दिशा निर्देशों के माड़े अंसर की भाल में जोड़े साढ़े नाके पहले ही लगे होंगे आ शाम को, उन्होंने देखते हुए जो असी इस वारदात को असी ट्रेस करने की कोशिश की, तो सब तो पहला असी जो इस गली के कैमरे से उन्होंने देखना शुरू किया। उदों सानू ये चीज़ पता लगी भी ये कैम जोड़े दोषी से ये दो नहीं सी, ये 3 सी।
एक जिहड़ा एक्टिवा लेके वो पहला ही उत्थे इंतजार कर रहा सी। बता दें कि नवाशहर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। बता दें कि पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया और बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खिलौना पिस्तौल, चाकू, किरच बरामद किया गया। नवाशहर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और खिलौना पिस्तौल, चाकू, किरच बरामद किया गया और घटना की सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह खिलौना पिस्तौल से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और आप देख सकते हैं कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमृतसर में सीआईए स्टाफ दो ने बड़ी कार्रवाई की जिसके तहत नामा तस्कर का भांडा फोड़कर 400 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र महज 22 साल बताई जा रही है जो सैलून में काम करता है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान हरदीप सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह निवासी अमृतसर के रूप में हुई है और उसके पास से 400 ग्राम हेरोइन और एक डिजिटल कांटा भी बरामद किया गया। अज की प्रेस बाइट जी दी जा रही है ये सीआईए टू इंचार्ज इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ने इन दी टीम दे एस आई लाजपत राय वालों 400 ग्राम हैरन बरामद की गई है। साढ़े मानयोग कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर जी उन्होंने दिशा निर्देश हेठ अमृतसर पुलिस वालों जो मुहिम चलाई गई है उसकी लड़ी दे विच हरदीप सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह वासी पैरस एवन्यू चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तरनतारन जिले में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला का घायल हालत में वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने से साफ है कि उसकी पिटाई की गई है और मामले की पुष्टि के लिए जब पत्रकार ने गांव काला निवासी बुजुर्ग महिला जसबीर कौर पत्नी जयमल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उनके बेटे ने गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था जिससे लड़की के परिजन उससे नाराज थे और इसी गुस्से के चलते कथित तौर पर उसकी मां, पिता और भाई पहले उसे जान से मारने की कोशिश की थी जिसके कारण उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर अमृतसर में किराए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उनकी बहू के माता पिता और भाई ने गांव में रहने वाले कुछ लोगों को उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की जिसकी सूचना उसने गांव के सरपंच को दी और सरपंच ने उसे कब्जा कराने वाले पक्ष से बात करने के लिए आमंत्रित किया जहां उसकी बहू के माता पिता और भाई ने अपने अज्ञात साथियों के साथ कथित तौर पर उस पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की और उस पर नस्लीय दुर्व्यवहार किया और उसकी बेटी को उठाने की कोशिश की। हर मुंडे ना कुड़ी ने लाभ मर्जी कराई है जो अपनी मर्जी ना कराई उन्हें साढ़े कोई गल नहीं बात नहीं सानू घर तंग करते घर नहीं बनने धमकियां मारते रिपोर्ट मार करते आ कितने साल हो गए जी 4 साल हो गए हुण कई कराया ते रहिंदे ते घर आउणा चाहुंदे घर आउण नहीं दिंदे ते तुसीं परसों गए परसों पिंड आए परसों फिर कुटिया जनानियां कुटिया बदले लगे पेंदे ने किन्ने बुलाए सर पिंड नूं कहिंदे सरपंच साहब ने बुलाया फैसले फिर ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬੜ ਬਣਾਈ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ
प्रेम सिंह घर दी लागी दविंदर कौर वो बंदे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।